हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। तो दोस्तों, क्या आपका भी आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को ओपन कर रहे हैं तो क्या आपका भी पबजी मोबाइल लाइट लॉगिन फेल्ड हो जा रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे और किस प्रकार से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप पबजी से मतलब कि ओपन करते होंगे और उसके बाद लॉगिन करते होंगे तो यहाँ पर आपका फेल्ड आ जाता होगा, या सर्वर रिस्पॉन्स आता है यानी नेटवर्क इरर आता है, यानी कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कि नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर इरर आने लगते हैं और आपके फोन में ये इरर आते हैं, जिसके वजह से आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे होंगे लेकिन आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। लेकिन मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन वहां पे बहुत सारे कमेंट किए कि भाई इस एप्लीकेशन से काम नहीं कर रहे। तो भाई 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 बताने वाला हूं कि कैसे दूसरे मतलब मैं VPN से बताऊंगा कि कैसे और किस प्रकार से आप आसानी से और इजी वे में आप लॉग इन कर सकते हो, बिना मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये नहीं कि भाई मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह बस ऐसे ही शॉर्ट वे में बता दूंगा। नहीं, मैं जब तक गेम नहीं ओपन होता है तब तक मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। पूरा गेम को जब तक नहीं ओपन होगा तब तक मैं भाई आपको बताऊंगा, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। वैसे आपको पता भी चलेगा कि हाँ भाई मैं कैसे और किस प्रकार से कर रहा है। नहीं, उसके बाद अब आपको क्या करना है, कमेंट नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो भाई कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जब आप पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करोगे तो कहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना होगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज क्या कर लीजिए, कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि भाई हम लोग इतने मेहनत करते हैं तो भाई कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, गेम को पूरी तरीके से कट करके और आपको स्क्रीन पे आ जाना होगा, और मैक्सिमाइज करके भी, और यहां से आपको कट करके पूरी तरीके से आपको स्क्रीन पे आ जाना होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सोलो। और यहां पे रुको भाई, बहुत सारे बोलेंगे कि सोलो एप्लीकेशन काम नहीं करता है। भाई बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई स्टेप बाय स्टेप देखो और मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि क्यों नहीं काम करता है। बहुत सारे इस मतलब ये ट्रिक को नहीं करते हैं जिसके वजह से उनका ये एप्लीकेशन काम नहीं करता। तो सिंपली से सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मतलब कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है सोलो VPN। देख सकते हैं इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आते हैं, आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हो, तो सिंपली से बहुत सारे क्या करते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं। तो सिंपली से आप देख सकते हो ऑटो वाले का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो यही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑटो वाले पे ही करके और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, यही आप लोग मिस्टेक करते हो, यही वो आप मिस्टेक करते हो जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे मैं चलिए बताता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से करना है। तो सिंपली से ऑटो वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्चिंग लेगा कुछ समय तक, और जैसे ही सर्चिंग लेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से आपके सामने कुछ देखने के लिए मिल जा रहा है। तो सिंपली से आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्री के सर्वर खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया का सर्वर नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, जिसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के सर्वर पर खेल रहे हैं। तो सिंपली से आपको क्या करना है, साउथ कोरिया वाले पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो साउथ कोरिया वाले पर सेलेक्ट कर लेना है। एक बात और मैं बता दूं, अगर साउथ कोरिया वाले पर सेलेक्ट करके और यहाँ पे कनेक्ट करते हो और गेम को ओपन करते हो, अगर उसके बाद भी गेम नहीं ओपन होता है तो सिंपली से आपको क्या करना होगा, साउथ कोरिया पे अगेन से क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट। तो सिंपली से या तो यूनाइटेड स्टेट या साउथ कोरिया पर, ये आपको ध्यान रखना है, कनेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सिंपली से जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद कुछ ही समय आप जैसे ही वेट करते हो तो आपके सामने कनेक्टिंग लेगा। कनेक्टिंग लेने के बाद यहाँ पे बस 2 से 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका आराम से और इजी वे में कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक और बात, गेम को ओपन करने से पहले हमेशा आपको ध्यान देना है कि ये मेरा गेम जो है मतलब कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है यानी कि ये VPN है, ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, और यहाँ पे भी देख लेना है कि किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑटो पे आप करके कनेक्ट करते हो तो आपका नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ करके कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं जेन्युइन वीडियो बनाता रहता हूँ तो भाई जेन्युइन बात बताता रहता हूँ। तो सिंपली से चलिए मैं दिखाता हूँ, नहीं तो आप बहुत सारे कमेंट भी करते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो भाई ऐसा ही नहीं भाग जाना है, कम से कम बताना है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने गेम को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा गेम ओपन होने लगा। तो जैसे ही आप ओपन करते हो तो आसानी से और इजी वे में कुछ आपके सामने गेम का लुक कुछ इस प्रकार से आने लगते हैं। तो सिंपली से आपको क्या करना है, जैसे मैं VPN में कनेक्ट करने के लिए बताया वैसे ही आपको स्टेप
स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके और आपको कनेक्ट करना है। और जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि VPN को कट नहीं करना है, उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट कट करना है, मैक्सिमाइज करके हटा देना नहीं है पूरी तरीके से। आप ऊपर से स्क्रॉल करके देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करके गेम को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको मैं कम कर ले रहा हूँ। तो सिंपली से आप देख सकते हो आसानी से और इजी वे में आपका पबजी मोबाइल लाइट में फेसबुक से लॉग इन हो जाएगा और कोई यहाँ पे इशू नहीं आएंगे, ना ही कोई एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसानी से और इजी वे में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाई स्टेप फॉलो किए होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा और आप देख सकते हो कि आपका आसानी से और इजी वे में भाई आप देख सकते हो कि आपका ये वर्क कर रहा होगा। तो भाई आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।